हे गाइस, आपके लिए दो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अगर आप भी शाओमी या फिर जियो के दीवाने हैं तो दोस्तों दोनों ही फोन जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं जनवरी के महीने में। सो ये न्यूज़ कंफर्म है कि जियो फोन और अपकमिंग स्मार्टफोन शाओमी का जो रेडमी गो बताया जा रहा है, सो ये दोनों फोन लॉन्च हो रहे हैं। तो दोनों एक साथ ही लॉन्च होने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। या अगर आप पूर्ण अपडेट जानना चाहते हैं, अगर शाओमी और जियो फोन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हो सकती है न्यूज़ खास। दोस्तों मैं आपको पूरा बोलता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, तो मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों बता दूँ, हमारी टीम की ओर से लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल गैजेट्स वगैरह दिए जाते हैं। फिलहाल अभी एक जो व्यक्ति है उसको हमने मोबाइल फोन दिया है, तो उसकी फोटो देख सकते हैं। सो कम्युनिटी टैब में भी डाली हमने। तो आप वीडियो को बस टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि आपको वीडियो को देखना होता है पूरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होता है, नोटिफिकेशन बेल उस पर क्लिक करना होता है, व्हाट्सएप पे सब पे आपको शेयर करना होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कीजिए, आपको लैपटॉप कंप्यूटर मिल जाएगा हमारी टीम की ओर से। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करूं मैं यहां पर, शाओमी अपना एक नया स्मार्टफोन निकाल रहा है रेडमी गो। तो दोस्तों ये जल्दी हो रहा है भारत में लॉन्च रेडमी। इसकी भी कमाल की स्पेसिफिकेशन है और ये बजट स्मार्टफोन है जो भी, क्योंकि अभी जियो ने फिलहाल लॉन्च किया था फोन ब्राउजर जो कि फ्यूचर वाला फोन था, जो कीपैड वाला फ़ोन जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको हटा के एक नया स्मार्टफोन प्रोवाइड कराना चाहता जियो। तो उसी तरह से एमआई ने भी यही कोशिश की है कि जो यहाँ के जो फिलहाल जो कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनको एक स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाए जो 4G स्पीड का आनंद ले सके। सो यहाँ पर दोनों ही कंपनी टक्कर में है, क्योंकि आप बता दूँ शाओमी नंबर वन है इंडिया की, अगर मामले में, अगर स्मार्टफोन के मामले में देखें तो टॉप पर चलती है शाओमी इंडिया में, क्योंकि फिलहाल उसने नेटवर्क जमा लिया है। और जियो अगर लॉन्च करता है इस फोन को जियो फोन 3 के नाम से, तो ये फिलहाल 1500 रुपये की रेंज में जियो फोन ला रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये फोन आता है तो बहुत ही बढ़िया है, शाओमी को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अंबानी जी ने अब ये कर दिया है कि जियो का ही चलना चाहिए सब कुछ, यानी जियो का फोन, जियो का सिम, सो जियो एवरीथिंग इज जियो। सो तो ये न्यूज़ थी कुछ इस तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपडेट, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमको पता चलेगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे इस चैनल पर। सो मेरी बातों को इतने ध्यान इतने प्रेमपूर्वक सुनने के लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ कि आपने मेरे इतने ध्यान इतने प्रेमपूर्वक सुना। और आपके भीतर बैठे मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।